love the first song and it's just looking like a wow. Hi guys, good morning. It's Sunday morning और time already 10 बज चुके हैं और अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है. मतलब सिर्फ मैं सुबह उठ के एक लीटर पानी पिया मैंने और कुछ नहीं. एंड कल रात को क्योंकि बाहर गए थे आने के लिए भी काफ़ी लेट हो चुका था. सो आई डिडंट सो एनी पीनट्स. तो आज मोर लाइकली इट्स गोइंग टू बी अ छुट्टी फॉर एवरीथिंग टाइप्स. बट आई विल बी श्योर टू स्टे ऑन ट्रैक और एटलीस्ट आई विल ट्राई टू. बट जो भी होगा आपके साथ तो मैं शेयर करूंगी. द प्लान इज टू गो आउट टू हैव इधर ब्रेकफास्ट और ब्रंच कर लेंगे डायरेक्टली एंड देन शॉपिंग करना है बिकॉज अमारा इज गोइंग टू टर्न 1 वेरी सून. तो उसके लिए बच्चे का मतलब कपड़े वपड़े का कुछ कुछ तो भी शॉपिंग करने का है. उसके साथ अगर मेरे को कुछ अच्छा मिला तो मैं भी ले लूंगी. सो या इट्स गोइंग टू बी अ फन डे एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सुबह सुबह चाय बनी है दोस्तों हमारे घर में और मुझे फोर्स किया जा रहा है पीने के लिए. तो मैं लोगों का मन रखने के लिए चाय पीऊंगी लेकिन इसमें सिर्फ आधा पीऊंगी मैं, बाकी इन्हीं लोग को दे दूंगी. बच्चे के साथ बाहर निकलना इज सच अ टास्क आई टेल यू. हम लोग होते हैं आधे घंटे में तैयार. अमायरा को तैयार करके उसकी सारी चीज़ें डायपर बैग वगैरह रेडी करने के लिए लग जाता है आधा घंटा. सो वी आर नाउ लिविंग फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रंच वेरी लाइकली ब्रंच ही हो जाएगा. सो पहले वहाँ जाएंगे फिर शॉप करने जाएंगे कुछ. आई विल सी यू सून. आई एम हैविंग 1 प्लेट ऑफ सेट डोसा जिसमें 3 डोसा आता है. दिस इज गोइंग टू बी ब्रंच फॉर श्योर. तो इट विल बी वेरी हैवी एंड मैंने ऑयललेस बोला है ऑप्शन. मसाल डोसा कर सकती थी मैं बट मैंने नहीं किया बिकॉज उसमें आलू की सब्जी होती है. नॉट दैट यू कांट हैव आलू की सब्जी बट थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है शायद. तो माय सिस्टर इज हैविंग मसाल डोसा. रवि इज हैविंग इडली वड़ा. आई थिंक दे विल हैव समथिंग एल्स ऑल्सो बट आई विल ओनली हैव 1 प्लेट ऑफ सेट डोसा. हे गाइस, अभी हम लोग मेक डी में बैठे हैं. इट वॉज आई थिंक अबाउट 5 PM और मैं अभी वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 शोर था और मेरी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी. एंड मैं यही बोल रही थी कि यू नो उन लोगों को बहुत भूख लग रहा था तो देवर लाइक मेरे को हम लोग को कुछ ना कुछ खाना है एंड मैकडी पास में था तो हम लोग चले गए. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वेन यू हैव पीपल लाइक माई सिस्टर एंड रवि जो मतलब बिल्कुल देखते नहीं है कि बाजू वाला डाइट कर रहा है मेरे साथ जो है हमको थोड़ा उसको हेल्प करना चाहिए. सब कुछ नहीं, उनको मैकडी खाने का मन कर गया, उनको भूख लग गया और वो लोग ने ऑर्डर कर लिया खाना. एनीवे मैंने कुछ नहीं खाया. रवि ने अपना वेज महाराजा मैक महाराजा कुछ लिया एंड दे हैव सम फ्राइज. एक आइस कॉफ़ी लिया उन लोगों ने एंड वेज मैक पफ लिया मेरी सिस्टर ने. Much later. Hey guys, it's actually dinner time already. खाना खाने लगी थी मैं तो मुझे लगा आपको अपडेट कर दो. वापस आके काफ़ी टाइम हो गया. वी वर ऑल वेरी टायर्ड. तो शॉपिंग वगैरह किया है स्पेशली अमायरा के क्लोथ किए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कुछ टाइम में. बट पहले खाना खा लेते हैं. आरटी एज यूजुअल. कल जो मैंने बनाए थे छोले उसमें थोड़े राजमा भी डाला थे तो इसीलिए आप लोग को राजमा दिख रहा होगा वहाँ पे. एंड 2 फुल्का एज यूजुअल और थोड़ा सा राइस भी लिया है मैंने बिकॉज ब्रंच के बाद आज सच कुछ खाया नहीं. तो आई एम वेरी वेरी हंग्री तो आई थिंक आई डू अ लिटिल ऑफ राइस. हाय गाइस, टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट 9 o'clock और अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है आपके साथ बैठ के थोड़ा गुफ्तगू करने के लिए. एनीवे मैं यहाँ पे बैठी हूँ. अमायरा के जो कुछ ड्रेसेस आज हम लोग लाए हैं. वैसे तो प्लान ये था कि एक कोई अच्छा सा यू नो बर्थडे लायक कोई एक फ्रॉक ऐसा कुछ ले लूँ बट वैसे ग्रैंड वाला ऐसा कुछ मिला नहीं. बट वी डिड गेट सम ऑफ द क्यूट स्टाफ व्हिच इज व्हाट आई एम शोइंग हियर. तो ये एक जंप सूट जैसा है मतलब ऐसा डंगरी टाइप्स हाफ स्लीव मतलब स्लीवलेस एंड नीचे ऐसा चड्डी जैसा आता है ना. तो दिस इज 1. आई गॉट इट फॉर अराउंड 150 rupees. कोई एक घर के पास शॉप था वहाँ पे गए एंड वी फाउंड सम स्टफ देयर. दिस इज लाइक अ नाइस क्यूट फ्रॉक, कंफर्टेबल फ्रॉक, घर में पहनने के लिए बहुत सही होगा. तो वैसा सा है. दिस इज फॉर 200 rupees. एंड देन वी गॉट 3 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स. एक्चुअली मेरे को 12 to 18 months का लेना था और जो भी हाँ 12 to 18 months का है लेकिन वो इस वाले कलर में मतलब ये सेट ऑफ 3 वाले हैं. इस वाले पैटर्न कलर के सेट में
12 टू 18 मंथ्स का था नहीं, सिर्फ 18 टू 24 मंथ्स का था, और दूसरे जो सेट थे उतने अच्छे खास थे नहीं जिनमें साइज अवेलेबल था. तो मुझे लगा कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट शॉट. लुक एट दिस क्यूट लिटिल बो हियर, हाउ क्यूट इज इट. एंड दिस इज द सेकेंड वन इन द सेम पेयर, मतलब सेम सेट में आए हैं ये तीनों. एंड थर्ड वन इज रियली क्यूट, दिस इज द थर्ड वन, आई मीन हाउ क्यूट. तो या इसके पास कुछ सॉलिड शर्ट्स है, कुछ बेबी पिंक कलर के शर्ट है, तो मुझे लगा उन सब पे जाएगा. एंड देन वी गॉट इट, ये थ्री सेट ऑफ थ्री वी गॉट फॉर 700 rupees. एंड देन बिकॉज हालांकि बेंगलुरु में उतना ठंडी होती नहीं है, मतलब ठंड नहीं होती है, फिर भी आई थॉट अ स्वेटर इज़ अ गुड आइडिया. अभी जो उसके पास स्वेटर है वो थोड़ा पुराना है, उतना कुछ खास है नहीं, पहन पहन के थोड़ा उसको वोन आउट कर दिया हम लोगों ने. सो दिस इज़ बेबी पिंक कलर का स्वेटर, इट्स नाइस एंड वार्म, क्यूट सा है. एंड आई गॉट दिस वन फॉर 600 rupees. एंड देन वी गॉट दिस रैंडम घर में पहनने के लिए ऐसे पैंट्स अच्छे वाले लेके आए हैं. ये वाला था 100 rupees का, एंड एक ब्लैक कलर का भी एक पैंट था वहाँ पे, बस दिखा मेरे को, मुझे लगा ब्लैक इज बेसिक, सब पे चाहिए. दिस इज ऑल्सो सेम अगेन 100 rupees का है. So yeah, this is all we got for the baby. As such, birthday के लिए एक dress नहीं मिला है, but there are a couple of things. So I'm not sure कि क्या पहनाएंगे. और मेरी sister ने कुछ order किया है online for her Amazon से. I think वो भी कुछ दिनों में आएगा, दो तीन दिनों में शायद आएगा, जब भी आएगा. And if it turns out to be good, I will show you. And yeah, I think इतना ही दिखाना था मुझे. Now it's time for question and answers. Okay, so the first one is from Suraksha. उन्होंने बोला है, अमूल्या दीदी, is it infinity dollar in the cover photo of yours any significance? हाँ, वो जो मैंने पहना था एक photograph में, वो infinity symbol ही है, कोई significance नहीं, I just liked it, so I bought it. And पहनती हूँ, रहती हूँ बस मैं. Tell us about चना दाल पाउडर. ओ याद है चना दाल पाउडर, उसकी रेसिपी ना मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यूजली जब भी मेरे पास वो गन पाउडर आता है, या तो मेरी मॉम बना के भेजती है या फिर मेरी मदर इन लॉ बना के भेजती है. जब वो लोग आएंगे यहाँ पे तो उनसे पूछ के मैं मतलब उनसे बनवा के रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट मुझे एज सच वो पता नहीं है. आई थिंक अगर आप ऑनलाइन मतलब यूट्यूब में सर्च करोगे मेंटिट्टू और बांदिट्टू रेसिपी बोल के, तो आई थिंक मिल जाना चाहिए. बट एनी वे आई विल शेयर व्हेन दे आर हियर. नेक्स्ट इज नीतू गुप्ता ने पूछा था ये क्वेश्चन, बाय द वे नीतू गुप्ता हैज ऑल्सो आस्क्ड, अपडेट योर वेट एवरी डे प्लीज. आई टोल्ड यू ना, एवरी डे कोई चेंजेस होता भी नहीं है. हालांकि मैंने खुद आज चेक किया एंड इट्स द सेम 71.8 पे ही अटका हुआ है, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ. उसके नीचे उन्हें ब्लॉगिंग प्रिया एज यूजल, पता नहीं उनको मेरे से क्या दुश्मनी है, उन्होंने कुछ उटपटांग सा कॉमेंट छोड़ा है जिसको मैं पढ़ूंगी भी नहीं, मतलब पढ़ के आपको सुनाऊंगी भी नहीं, क्यों खामखा तवज्जो दे. ठीक है, नेक्स्ट सारिका देसाई ने बोला है, यू ईट राइस एट नाइट बट इफ आई कंज्यूम राइस आई गेन वेट, एनी ऑप्शन डियर? इफ दैट इज द केस फॉर यू, पहले मेरे को भी ऐसे होता था, अगर मैं रात को राइस खाती थी तो मेरा वेट लॉस नहीं होता था, इट वुड ईदर गेट स्टक, आई वुडंट से गेन, स्टक होता था. तो आप सूप्स रात को ट्राई कर सकते हो पीने का, या फिर आप चपाती या फुलका जो भी बोलते हैं वो ट्राई कर सकते हो रात को. आप रात को मिलेट्स जो होते हैं, बाजरा, रागी, इन चीज़ों का चपाती टाइप बना के आप खा सकते हो. दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से, अगर राइस सेट नहीं होता है तो. नम्रता ने बोला है, वेरी नाइस, कीप इट अप, थैंक यू सो मच नम्रता. नम्रता उनका नाम नम्रता टोनसोरे कुछ है, उन्होंने बोला है नाइस एफर्ट्स, थैंक यू सो मच. दिस वॉज अ डिफरेंट नम्रता, दैट्स अ डिफरेंट नम्रता. एंड देन शशि ने बोला है, क्यूट सिस्टर्स, मतलब मेरी और मेरी सिस्टर के जो नोक जो मतलब जो होता रहता है ड्रामा एंटरटेनमेंट, उसके लिए थैंक यू सो मच शशि. एंड देन राधिका ने बोला है, वेन आई वॉच योर वीडियोज यू इंस्पायर मी टू लूज वेट, ओ आई एम सो ग्लैड. आपको ऐसा थोड़ा भी यू नो हेल्प होता है, इंस्पिरेशन मिलता है, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन ट्रैक एंड यू नो डू थिंग्स टू लूज वेट. आई हैव बीन देयर एंड आई एम स्टिल ऑब्वियसली इन द प्रोसेस ऑफ इट.
So yeah, she's also written a big comment. Let me read it out for you. Very glad to see your discipline. I tried a lot of time to lose my weight in this year, but because of my busy schedule, I am not able to focus on healthy diet, and also I can't control my craving. But at that time I want to lose weight, I tried your bullet coffee drink, which was very effective. I tried bullet coffee in the month of October and lost 2 kg. Oh, I'm so glad you tried bullet coffee and you lost weight. I want to lose weight, I have no time to do exercise, so please tell me such like good and simple techniques जिसको follow कर सके and cravings भी दूर कर सके. So basically the thing is, cravings का क्या होता है, cravings ना बड़ा अजीब चीज़ होता है. मेरे को भी बहुत craving होता है कुछ कुछ चीज़ करने का, but मैं स्पेशली ये चैलेंज इसीलिए आप लोग के साथ करती हूँ ताकि मैं खुद भी अकाउंटेबल रहूँ और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो भी, उनको भी अकाउंटेबिलिटी हो कि यार हम लोग इसमें साथ में हैं, तो वी कांट चीट ईच अदर. इट शुड बी लाइक दैट इज व्हाट आई फील, व्हिच इज व्हाई आई ट्राई टू डू चैलेंज एंड आई पुट इट ऑनलाइन. क्योंकि जब अकेले करते हैं तो इट्स नॉट वेरी ईजी टू स्टे ऑन ट्रैक. जब कोई आपके साथ होता है तो इट्स कंपैरेटिवली ईजियर टू स्टे ऑन ट्रैक एंड यू नो स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स द गोल. Now, with respect to cravings, like one example that I'll give you, अगर आपको ऐसा sweet कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप raisins और peanuts को आप खा सकते हो थोड़ा सा. उससे आपका sweet का craving definitely कम होगा, because मेरे साथ ये हो चुका है and I've tried this and it has worked. अगर आपको कुछ चाट जैसा कुछ खाने का मन कर रहा है तो instead of, you know, अगर आपको से for example दही पूरी या कुछ भी सेव पूरे ऐसा चाट खाने का मन कर रहा है, तो जो आपका regular पूरी होता है उसको आप replace अपने घर में जो पापड़ होता है ना, किसका पापड़, उड़द दाल का जो पापड़ होता है, उसको फ्राई नहीं करना है, उसको तवे पे गैस पे सेकना है, उसको रोस्ट करना है. रोस्ट करके उसके ऊपर, मतलब उस पापड़ के ऊपर आप अपना जो भी होता है सेव पूरी या दही पूरी का जो फिलिंग होता है, जैसे आप आलू डालते हो, पीस डालते हो, पीस का मसाला डालते हो, आप दही डालते हो एंड व्हाटएवर ग्रीन चटनी, रेड चटनी, टमेटो, ऑनियन, सब कुछ जो भी होता है उसका फिलिंग, वो उस पापड़ के ऊपर डाल के आप खा के ट्राई करो. उस तरीके से आपका क्रेविंग भी कम होगा एंड ऑब्वियसली आपको डीप फ्राइड किया हुआ पूरी भी खाने को नहीं मिलेगा. तो आई वुडंट से इट इज द हेल्दीएस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल, बट इट इज कंपैरेटिवली हेल्दियर टू ए कट डाउन योर क्रेविंग्स और सैटिस्फाई योर क्रेविंग्स एंड ऑल्सो बी टू स्टे ऑन ट्रैक. बिकॉज बॉइल्ड आलू इज डेफिनेटली नॉट एज बैड एज फ्राइड आलू. तो आप बॉइल्ड आलू मॉडरेशन में जब आप वेट लॉस के लिए कोशिश कर रहे हो अब तो आप ले सकते हो. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल टेक्निक्स एंड सिंपल चीजें करना when you're trying to lose weight is very important, because it shouldn't feel like a task, you know, like roz mein jo bhi khana banati hu pure ghar ke liye yahi khana banta hai. I just try to keep a control on my own portions and I just try to make sure that main agar bahar bhi ja rahi hu and people have the option or the liberty to choose other options, I just want to make sure ki main apne limit mein hoke ya apna choice of food is tarike se karu ki mera यू नो ऑन ट्रैक भी रहूँ मैं एंड मेरे को बाहर मैंने खाया, इट वॉज अ नाइस गुड आउटसाइड डिनर, ऐसा वाला भी फीलिंग हो. सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, बिकॉज द एंड रिजल्ट आई एम श्योर विल बी वर्थ इट फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल. बहुत ज्ञान हो गया. दोज वर ऑल द कॉमेंट्स फॉर टूडे. थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉमेंट्स. आई थिंक दैट इज इट फॉर टूडे. And yeah, I will see you all tomorrow with a new video. Until then, you guys take care. Toodles.